हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये वीवो का मोबाइल है, वीवो V3। हमें इसका ये चार्जिंग जैक चेंज करना है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसका बैक पैनल ओपन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि जैक ख़राब होने की वजह से इसकी बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिम इजेक्टर से सिम ड्रेन निकालनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको ये जो दो दिख रहे हैं ये यहाँ इनके नीचे स्क्रू होंगे। ये और नॉर्मल फ़ोन की तरह नहीं होता, ये थोड़ा अलग तरीके से खुलता है। तो सबसे पहले आपको ये खोलने हैं, ये जो साइड के होते हैं ये पहले आपको नखून से या किसी भी पतले ब्लेड से आप इसको आपको हटाना है। देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पे इसके आवाज़ येलो खुलने की हो जाएगी और ये अलग हो जाएगा। इसको यहाँ पे रख दो। उसके बाद ऐसे ही फिर ऊपर को, ये ऊपर वाले को खोलना है। ये देखिए यहाँ पे ग्लू भी लगी होती है जिसकी हेल्प से चिपक जाता है लॉक होने के बाद। तो इसके दो ये खुल चुके हैं। अब फ्रेंड्स अब इसके स्क्रू को ओपन करते हैं। ये देखिए ये देखिए ऐसे फिर नीचे वाले स्क्रू को खोलना है। फ्रेंड इसमें ये टोटल एक साइड 4 स्क्रू होते हैं, लेकिन इसमें 2 हैं क्योंकि ये पहले से ही खोल रखा है फ़ोन, तो इसके पहले 2 स्क्रू गुम हो चुके थे, तो इसलिए 2 स्क्रू लगा रखे हैं। तो ये मैंने दोनों स्क्रू ओपन कर लिए हैं दोनों साइड से। तो फ्रेंड्स अब इसको ओपन करते हैं। और ओपन फिर ऐसे करना है आपको, इस साइड से जहाँ से आपने सिम ट्रे निकालनी है यहाँ पर ऐसे नखून से ऐसे दबाना हल्के हल्के हाथ से, और फिर ऐसे ऐसे नीचे लेके आना है और हल्की हल्की आवाज़ आएगी लॉक खुलने की। ये देखो ऐसे फिर नीचे से, फिर ऐसे नखून को चारों तरफ से ऐसे करना है। और ये देखो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जब इसको खोलो बैक पैनल को ऐसे पूरा पीछे की तरफ नहीं करना है, क्योंकि इसका जो फिंगरप्रिंट होता है इसका पत्ता होता है यहाँ पे, ये देखो। और आप इसको पूरा पीछे कर दोगे तो फिंगरप्रिंट का पत्ता कट जाएगा और उसकी वजह से फिर आपका फिंगरप्रिंट वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये वाला स्क्रू खोलना है जहाँ पे ये फिंगरप्रिंट का पत्ता अटैच है। ये देखो ये मैंने खोल दिया है। और ये पत्ती होती है जो फिंगरप्रिंट के पत्ते को और जो नीचे वाला बोर्ड होता है उन दोनों को बिल्कुल अटैच रखती है। ये पत्ती इसलिए लगाई जाती है जब आपका फ़ोन गिर जाए या फिर कोई शॉर्टिंग ना हो, इसकी वजह से ये पत्ते लूज़ ना रहे, बोर्ड में अटैच रहे बिल्कुल फिट, इसलिए ये पत्ती लगाई जाती है। ये सिल्वर की पत्ती होती है जो कि स्क्रू की हेल्प से बिल्कुल टाइट होती है। ये देखो ये हर फ़ोन में होती है फ्रेंड्स, हमारे जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं हर फ़ोन में होती है। तो ये देखो ये रहा फिंगरप्रिंट का पत्ता, ये मैंने हटा दिया है। अब बैक पैनल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही फिर मेरे को उसका जैक चेंज करना है। तो फ्रेंड्स अब बाकी का काम आप इसका चाहो तो जैक चेंज कर लो, या फिर इसका मदरबोर्ड भी आता है पूरा नीचे का, ये मैं आपको मदरबोर्ड खोल के दिखा देता हूँ, ऐसा मदरबोर्ड है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसका ये जैक चेंज नहीं करूँगा क्योंकि फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है और सामान नहीं मिल रहा है। तो आपके लिए बस इतना ही कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका बैक पैनल कैसे ओपन करते हैं। तो ये देखिए मैं आपको नीचे वाला बोर्ड और खोल के दिखा देता हूँ एक बार। ये देखना फ्रेंड, मैं स्पीकर पर अगर ये टूल को ऐसे रफ कर रहा हूँ इसका मतलब इसमें मैग्नेट वो होता है। ये देखना, ये देखो ये मैग्नेट मैग्नेट बन जाता है ये आ गया ऐसे। ये देखना फ्रेंड्स ये मैंने ओपन कर दिया। उसके बाद हल्के से ऐसे उठाना है और उठा के इसको साइड में रखना है। ये जो हमारे ऊपर की होती है इसी के अंदर स्पीकर अटैच होता है, तो इसी वजह से हम इसको रफ करने से यहाँ पे मैग्नेट इंक्रीज होता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये वाला जैक जो हमें चेंज करना है, तो फ्रेंड्स ये देखना इसका पत्ता बिल्कुल कटा हुआ है, तो इसका पत्ता ही चेंज होगा, बिना पत्ते के हम ये चेंज नहीं कर पाएंगे। तो थैंक्स फ्रॉम वॉचिंग माई वीडियो, अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।